हेलो दोस्तों, हम सरल करने जा रहे हैं मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसानी से और आसान ट्रिक के साथ बहुत ही सरल भाषा के अंदर सरल करेंगे। इसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हम सरल करेंगे। आइए, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आयु विधि से हल कीजिए। 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। समीकरण निकाय को हल मैट्रिक्स विधि से करने के लिए Ax = b सर्वप्रथम इस रूप में लिखेंगे, फिर हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे, फिर ए इनवर्स को b से गुणा कर देंगे। तो यहाँ ax से x बराबर क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स b, ये निकाय का हल है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान है ax बराबर b लिखेंगे, तो हमारे पास ये तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5273, और एक्स वाई की जगह ये एक्स वाई लिख देंगे, और इधर हमारा b = क्या है, 4 और 5, ये का मान है, और b का मान हमारे पास 4, 5 है, x = xy है। अब यहाँ से हम a इनवर्स निकालेंगे, तो हमारे पास a दे रखा है 5, 2, 7, 3। इसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं, इन दोनों को चेंज कर देंगे, ये 5, 3 है तो यहाँ लिख देंगे हम 3, 5, ठीक है, और ये 2, 7 ऐसे ही रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम इसका सारणिक निकालेंगे। सारणिक को कैसे निकालते हैं, इनको 3 गुणा कर दो, ये हो गया 15, और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस, ये हो गया 14, 15 में से 14 गया बचा 1। अब यहाँ से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए में ए का भाग दे देंगे, तो सारणी के ए का मान तो 1 है, तो वापस यही वैल्यू हमारे पास वापस आ जाएगी, 3 - 2 - 7, 5। अब हम क्या करेंगे, इस ए इनवर्स को बी से गुणा करेंगे, तो ये ए इनवर्स का मान है, ये बी का मान है, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, इस पंक्ति को पहले इससे गुणा कर देंगे, स्तंभ से। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 और -3। अब हम क्या करेंगे, x = a इनवर्स b है, तो x का मान हमारे पास एक्स वाई है, और a इनवर्स का मान क्या है हमारे पास, 2 और -3, एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 2 और -3। अब हम इसकी तुलना करेंगे, x बराबर तो 2 रख दिया, और y बराबर कितना हो गया, -3। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आ गया, x = 2 y = -3, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।